मैथ्स में लास्ट क्लास में समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में आपको कुछ सवाल समझाए थे। आगे इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। कुछ प्रश्न हैं इसमें इंपॉर्टेंट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, एक त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का आधार और ऊंचाई, तो आधार जो है, आधार होता है और ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई है और त्रिभुज का आधार ये होता है, तो जो उसका फॉर्मूला है ये 1/2 × आधार × ऊंचाई, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 × आधार 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है, उसको उसमें पुट करेंगे, हल करेंगे, 2 और ये 3, 3 बार इसको कैंसिल होगा, तो कितना आएगा, ये 15 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। तो 15 सेंटीमीटर के लिए विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर टू, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 5 और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल होगा। ठीक इसी प्रकार आधार, अब चतुर्भुज की क्षेत्रफल का फॉर्मूला बदल जाएगा, ओनली आधार इंटू ऊंचाई होगा, तो आधार है 5 और ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, तो कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर। इसका विकल्प बी जो है सही है, 20 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल में समान है और एक ही आधार पर स्थित है, यदि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। हल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल को बराबर करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र और ये समांतर चतुर्भुज के, ठीक। अब त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो आधार इंटू, तो 2 जो है ये 2 2 यहां पे बदल जाएगा और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ठीक, तो दी गई है कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो इसके स्थान पे 2 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो विकल्प ए सही होगा, ठीक। अब खाली स्थान इंपॉर्टेंट वाले हैं, इनको अच्छे से याद करेंगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का खाली स्थान होता है, क्या होता है, आधा होता है, ठीक। किसी आकृति का तलीय क्षेत्र का परिमाप, परिमाण या माप उस आकृति का क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक। तीसरा, एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। अच्छे से याद करना इसको। अब अगला आईएमपी क्वेश्चन हल करेंगे। 2 त्रिभुज के आधार क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। यदि उनकी ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है, ये होता है, तो 1/2 आधार दिया है 8 और ऊंचाई दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ये 4 बार, ठीक, 1 × 4 × 6 क्या जाएगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल को हल करेंगे, तो 1/2 और 6 × 8, ये 6 सेंटीमीटर और 8, इसका करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक, ये जाएगा 1 × 3 × 8 क्या हो जाएगा, 24, ठीक। अब अनुपात कैसे हल करते हैं, तो अनुपात करेंगे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और अनुपात यानी डिवाइडेड बाय दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। पहले त्रिभुज का आया है 24 और दूसरे त्रिभुज का भी 24 आया, दो को 2
दिए गए थे। ठीक है, दो त्रिभुज में से आधार और ऊंचाई। ठीक है, तो पहले त्रिभुज की आधार और ऊंचाई ये मान लेते हैं, एक त्रिभुज है ये दो, ये दो है। ठीक है, एक जो है ए बी सी, ठीक, और ये डी। ठीक है, तो पहले त्रिभुज ये इस वाले भाग की बात कर रहे हैं, इसमें आधार जो है वो है आठ, तो बी सी कितना है, आठ है, और ऊंचाई जो है छह। ठीक है, इसको सॉल्व किया। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, तो दूसरे त्रिभुज की फिर से आधार जो है छह है और ऊंचाई कितनी है, आठ सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो प्रदर्शित है। ठीक, तो इसको सॉल्यूशन होगा 1:1। ठीक।